तो शिव जी के माथ पर जल चढ़ाए हैं कि हाथ पर चढ़ाए हैं कि उनके पेट पर चढ़ाए हैं कि पीठ पर चढ़ाए हैं कि लात पर चढ़ाए हैं कि आँख पर चढ़ाए हैं, कोथी पर जल चढ़ाए हैं। तो उनकी पत्नी वो तो नहीं कुछ बोले, जबकि ग्रेजुएट है दोनों, वो मास्टर है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए हैं। तो कौन पार्ट पर चढ़ाए हैं, माथ पर चढ़ाए हैं कि उनके आँख पर? तो उनकी पत्नी कहती है वो ही पर। तो मैं पूछा, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा मर्द है, कोई मर्द किसी मर्द के लिंग पर जल चढ़ाता हो? मर्द कभी मर्द के लिंग पर जल चढ़ा नहीं चढ़ा सकता। ये नपुंसक बना दिया ब्राह्मण बाबा। आज तक कोई देवता किसी का कल्याण किया? तो बरसों रात दिन भीख मांगा शिव के दरबार में, रात दिन वो हो कर रहा है, तो उसको कुछ गरीब को दे नहीं रहा, जबकि तुमसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो उसको सैकड़ों गरीब को वो शिव बैठाए हुए है बरसों से, या उसको कुछ नहीं देता है, तो चंद घंटा के लिए तुम जाते हो, तुमको कैसे दे देगा? ट्रक बॉस से बैठ बैठ करके जाते हैं बैनाथ धाम, बोलबम चिल्लाते हुए जाता है। अरे बोलबम, बाबा साहब अम्बेडकर कहे हुए हैं कि जिस शब्द का अर्थ नहीं समझते हो तो उसका संधि विच्छेद करो, शब्द को तोड़ो, समझ जाओगे। बोलबम का हिनकर बम निकल गेल, आर्थिक शोषण हो जाना, मानसिक तौर से विचलित हो जाना, बीमार पड़ जाना। 1 करोड़ आदमी बैनाथ धाम जाता है सावन महीना में, खादर बेच के, बंधक रख के, कर्जा ले करके 1 करोड़ आदमी जल चढ़ाता है। बहुत बार मैं कहा, अरे कहाँ हमारे साला जो हैं वो भी बैनाथ धाम, दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, इत्फाक से हम ससुराल उस दिन चले गए थे, तो जल चढ़ा के लंगड़ाते आ रहे थे हस्बैंड वाइफ दोनों। तो मैं दरवाजे पर उनके बैठ करके अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह पूर्व में घूम करके मुंह धो रहे थे, देखे कि वो आ रहा है लोग, तो नहीं दूर से पहचान, लेकिन नज़दीक में आए तो मैं उनकी मैडम है। मैं पूछा कि अरे लंगड़ा क्यों रहे हैं? तो आप न जानते हैं, हम कहते कहाँ गए थे? तो आप न जानते हैं कि कहाँ गए हैं? अरे तो कहाँ कहाँ जाता है आदमी, हरिहरनाथ फिर जाता है, गरीबनाथ जाता है, बैनाथ धाम भी जाता है। कहाँ आप हरिहरनाथ गए थे कि गरीब स्थान गए थे कि बैनाथ धाम गए थे, वही बताइए ना। तो उनकी पत्नी कहती है कि बैनाथ धाम से। तुमको कौन चीज़ पर जल चढ़ाए हैं? तब कोई नहीं बोल रहा है। हम कहे ये बताइए कि जल चढ़ाए हैं वहाँ, जल चढ़ाने गए थे तो शिव जी के माथ पर जल चढ़ाए हैं कि हाथ पर चढ़ाए हैं कि उनके पेट पर चढ़ाए हैं कि पीठ पर चढ़ाए हैं कि लात पर चढ़ाए हैं कि आँख पर चढ़ाए हैं, कोथी पर जल चढ़ाए हैं? तो उनकी पत्नी वो तो नहीं कुछ बोले, जबकि ग्रेजुएट है दोनों, वो मास्टर है। तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए हैं, तो कौन पार्ट पर चढ़ाए हैं, माथ पर चढ़ाए हैं कि उनके आँख पर? तो उनकी पत्नी कहती है तो वही पर। तो मैं पूछा, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा मर्द है कि कोई मर्द किसी मर्द के लिंग पर जल चढ़ाता हो? मर्द कभी मर्द के लिंग पर जल चढ़ा नहीं चढ़ा सकता। ये नपुंसक बना दिया ब्राह्मण बाद। आज तक कोई देवता किसी का कल्याण किया है? अरे कई आदमी से लड़ जाते हैं, कहे तुम जाते हो बैनाथ धाम आशा रख करके, तुम फलाना देवी देवता तर जाते हो, तो तुम तो चंद घंटा के लिए जाते हो दर्शन करने, जल चढ़ा के चले आओगे, उसके अगर 100-200 भिखमंगा नजर आता है तुमको, तो हाँ, तो बरसों रात दिन भिखमंगा शिव के दरबार में, रात दिन वो हो कर रहा है, तो उसको कुछ गरीब को दे नहीं रहा, जबकि तुमसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो उसको सैकड़ों गरीब को वो शिव बैठाए हुए है बरसों से, या उसको कुछ नहीं देता है, तो चंद घंटा के लिए तुम जाते हो, तुमको कैसे दे देगा? अब इससे बड़ा जूता ज्ञान का और क्या हो सकता है? और ढोल झाल लेकर के हम 24 घंटा जय सियाराम जय सियाराम करें, तो वहाँ भी तो भीख मंगा के मैं गया था एक बार, तो देखा तो वहाँ दुनिया भर का भीख मंगा के राम और सीता अभी तक कल्याण नहीं किया, कि उससे तो बेटर हम उसको न मानते हैं, तो हमारा ठीक सेहत है, हमारे हम ठीक पोजीशन में हैं। ऐसी व्यवस्था को हम स्वयं दोषी हैं, स्वयं हम ऐसी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं इच्छा से, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हमारे लोग शिक्षित MBA, आज भारत में जितना शूद्र समाज के लोग MBA होंगे उतना यहाँ के ब्राह्मण राजपूतों का जनसंख्या नहीं है, बोलिए है? जब हमारा शिक्षित लोग आज ग्रेजुएट है, MA जितना है उतना सवर्णों का जनसंख्या नहीं है, तो ये शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं, अलुआ छील रहे हैं?
कम से कम शिक्षित लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए कि भाई तुम भी शिक्षित, हम भी, ब्राह्मणवाद को कबाड़ के हटाओ, अपनी सरकार बनाओ, ऐसा ही शिक्षित लोग, और वो हमसे कम जनसंख्या है और हम पर हुकूमत कर रहा है, ऐसी व्यवस्था के लिए हम जिम्मेवार हैं, ऐसे व्यवस्था। आप अगर ये आए गए क्लास में कर्तव्य निभाने आए हैं तो आप जितना दैनिक जीवन में जितना आप रोज नहीं कमाते उससे ज़्यादा आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है सरकार के द्वारा। एक लीटर पेट्रोल भारत के नियोजित वाला चौधरी महाराज सिंह भारती का उठा के पढ़ ले, और कई वो किताब है उसमें पढ़ ले कि एक लीटर पेट्रोल बनाने पर कितना पैसा खर्च है, अब बेचा कितना जा रहा है, क्यों आप ही से एक लीटर पेट्रोल का दाम 90 रुपया ले रही है सरकार, आ जो 25 रुपया एक लीटर पर बनाने में खर्च है, बाकी 75 रुपया तो आपका एक्सपायर हो रहा है। इसी तरह से हर चीज़ में शोषण आपका हो रहा है, आपका कोयला खान लूटा जा रहा है, यूरेनियम का खान लूटा जा रहा है, आपको कोई आता पता है, सारा यहाँ का 4 रुपये क्विंटल जापान को यहाँ का कोयला जाता है और 6 रुपये क्विंटल यहाँ का लोहा ले जाता है, ओर ले जाता है जापान, आपके भारत के पहाड़ के को खरीद करके ले जा रहा है। इसको कौन दोषी है? हम सब दोषी हैं। नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, यहाँ के चंद 500 एमपी दोषी नहीं है, बहुत बड़ा वो संसद से बड़ा ये संसद है। ऐसी व्यवस्था को सोचना होगा। जिस देश के अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन कहा था कि देश की जनता जितना कंसस होती है उस देश की राष्ट्रपति जनता खोंक देता, राष्ट्रपति को धोती पैजाम फूट पै फूल पैंट गंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम खुद संगठित नहीं हैं। जिसको रैदास ने कहा, कितना सत स्लोगन संत रविदास दिया था 600 वर्ष पहले, बाप रे बाप, आज तक समझा नहीं रैदास को कोई, कबीर को नहीं समझा। रैदास कहे थे, सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। ए इंसान, आपस में सत्संग करके राय मुसविरा विचार करके एक साथ चिपक करके रहना जैसे मधुमक्खी, लाखों मधुमक्खी एक साथ चिपक करके रहता है, उस तरह से तुम भी चिपक कर रहो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। जब एक फतिंग एक कीड़ा से चिपक करके रहने की वजह से ना कोई मध के छत्ता में ढेला नहीं मारता है कि वो इतना बड़ा फतिंगा आपको आके बीन लेगा, इसलिए कोई डर से, आई इतना बड़ा बड़ा दुगोड़ा मध क्या करेगा, उससे भी बदतर हम हैं, तुलना करने की जरूरत है।